कम्युनिटी के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, लोग हैं, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, वो सब इस वक्त जो है अपनी लड़ाई, अपना दुख दर्द, अपनी कंप्लेंस को एक तरफ रख के डॉक्टर जे जलीसी जो के यूएस कांग्रेस के लिए कैंडिडेट हैं, उनके मद्दे मुकाबल तकरीबन 24 लोग हैं जो के खड़े हुए हैं बाल्टीमोर सिटी से। और डॉक्टर जे जलीसी इस वक्त भी जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। तकरीबन 37,000 वोट लेके वो जीते हैं डेलीगेट्स में, और अब जो है वो यूएस कांग्रेस के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन हमने कुछ दिन पहले देखा कि उनके जो साइन बोर्ड्स थे वो तोड़ दिए गए हैं, और कई जगह तकरीबन मेरे ख्याल 18 जगह या कुछ इस ऐसी कोई नंबर्स बताए थे, पुलिस रिपोर्ट भी कराई गई है, और आप देख रहे हैं इस तरह के साइन, और बाकायदा गैस स्टेशनों पे जाके बोला जा रहा है कि इनके साइन हटाए जाएं। और ये कौन कर रहे हैं? हमारे ही मुसलमान। तो एक दफ़ा फिर मैं अपने ही लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोगों में से कोई शामिल है इसमें तो प्लीज़ प्लीज़, ये वक्त नहीं है कि आप किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी करें। पहला पाकिस्तानी है, पहला चांस है, और बहुत तवक्कात हैं कि वो जीत जाएं, क्योंकि उनका एक अपना वोट बैंक है, उनको बहुत थोड़े से वोट चाहिए जीतने के लिए। लेकिन मुमकिन उस वक्त होगा कि जब आप सब उनके साथ हों। तो हम इलियास चौहान के पास चलते हैं जो कि काफ़ी एक्टिव हैं, और उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, इलियास चौहान साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। इलियास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइन पे आने का। जी इलियास साहब, ये बताएं कि जो अभी हमने देखा कि डॉक्टर जे जलीसी जो यूएस कांग्रेस के लिए खड़े हुए हैं, और उनका बहुत चांस है कि वो जीत जाएं, क्योंकि उनका एक अपना वोट बैंक भी है, लेकिन बाल्टीमोर के कुछ इलाकों में हमने देखा सोशल मीडिया के उनके साइन टूटे हुए हैं और लोगों ने उखाड़े हुए हैं, और कई गैस स्टेशन पे जाके उनको कहा गया है कि इनके साइन जो बोर्ड हैं वो रिमूव कर दिए जाएं। सबसे पहले तो डॉक्टर जे जलीसी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और उसके बाद बताएं कि ये क्या सूरत हाल है। डॉक्टर जलीसी जो इलेक्ट हुआ है वो ट्वाइस है हाउस ऑफ डेलीगेट के लिए 2014। इज अ हार्ड वर्किंग मैन। इसने बेसिकली सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक for 9 months he put his time. Okay. And he win in 2014 and he win again in 2018. Iska sabse acha chance hai ki he can win this seat. Uske liye wo khada hua, that's the best way to do it. Usne uske liye apne sign lagane shuru kar diye the aur koi bhi sign nahi laga raha. So total candidate jo hai wo 24 and Democrat candidate. Right. Ek wahid aadmi hai jo har jagah apne sign laga raha hai. लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक व्हाट ही इज डूइंग इट, सो इस बेस पे उसके साइन जहां से भी गुजरो कटे हुए नजर आते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें कौन लोग हैं, क्या आपको समझ में आता है? आप लोगों ने पुलिस रिपोर्ट कराई, पुलिस क्या बताती है, क्योंकि ये तो यहाँ पर एक जुर्म है। यस, इस बेस पे पुलिस डिपार्टमेंट बात हुई है, वो वर्कआउट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जाहिर है जब एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, मोस्ट बाल्टीमोर सिटी, बाल्टीमोर काउंटी, हार्वर्ड काउंटी, वो जहाँ पे कॉर्नर पे या साइड पे लगा होता है जिसका चांस होता है वो पार्ट देता है। बेसिकली 24 पीपल रनिंग इज 23 पीपल इज नॉट पुटिंग एनी साइन, तो उसका फायदा ये है, वो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, जो हमने कर रही है क्यों कर रहा है। बेसिक उसकी है कि कैंडिडेट के कुछ बंदे मेरा ख्याल है थोड़े से जेलस हो रहे हैं इस बेस पे। अच्छा, वो काट रहे हैं। अच्छा इलियास साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, हमने देखा कि शुरू में कम लोग थे, लेकिन अब हम देखते हैं मीटिंग्स में जो है वो जो बिजनेसमैन हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, और बाकी काफ़ी लोग भी जो हैं अब डॉक्टर जे जलीसी के साथ हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि बाल्टीमोर में रहती है वो भी एक मुत्तहिद नज़र आती है? बेसिकली एक और मुस्लिम, ब्लैक अमेरिकन मुस्लिम है, अमेरिकन, वो लड़ रहा है, तो जो कम्युनिटी है वो स्प्लिट है इन बिटवीन। मेरा ख्याल 20% उसके पास स्टिल है, 80% इसके पास है, तो स्टिल
दैट के थोड़ा सा स्प्लिट आ गया क्योंकि दो मुसलमान लड़ रहे हैं। अच्छा, तो वो ये तो पाकिस्तानी मुसलमान है ना, तो उसमें एक थोड़ा सा ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तानी मुसलमान जो है हिस्ट्री में अमेरिकन कांग्रेस में जाएगा अगर जीत जाता है तो। अमेरिकन्स तो बहरहाल अमेरिकन्स ही हैं, वो तो होते ही हैं। तो आपको क्या कन्विंस नहीं हो रहे हमारे पाकिस्तानी भाई, या कोई और वजह है? नहीं तो यूज टू नहीं द एनवायरमेंट बेसिकली अमेरिकन पॉलिटिक्स इज एनवायरमेंट उनमें है ही। ओके, दैट्स व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम दैट इवन यंग जनरेशन इज नॉट इवन इन इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इज द मेन रीजन दे नॉट गेटिंग इट। मेरी मेन कोशिश यही है कि एटलीस्ट यंग जनरेशन जो है गेट इन्वॉल्व इन एडिक्शन हो जाए। मेरा जो ड्रीम है वो एटलीस्ट 1% भी एडिक्शन हो जाए ना, तो दैट्स अ गुड साइन। आई मीन दैट्स व्हाट इज द लुक लाइक इट। अच्छा, आप आखिर में हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी को हमारे इस प्रोग्राम के तवसुत से कोई मैसेज देना चाहते हैं अबाउट डॉक्टर जे जलीसी के? प्लीज लेट मेक दैट हिस्ट्री। इफ इज दैट हैपन फेब्रुअरी 4, it will be history. Pakistani American or Asian American first one is to win from Baltimore or Maryland is a Congress seat. That's what is please. That's what we are hoping for that and that's what we looking for. चले, थैंक यू सो मच इलियास साहब हमें अपडेट देने का। थैंक यू। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के तवज्जो से अगर मेरा कोई प्रोग्राम सुन रहा है तो दिस इज़ द राइट टाइम। एक महीना रह गया है, एक महीना भी नहीं है पूरा अभी, तो 4 तारीख को 4th February आई बिलीव के इलेक्शन है। तो प्लीज़ पाकिस्तानी कैंडिडेट को सपोर्ट करें और एक हिस्ट्री बनाएं कि पाकिस्तानी जो है वो US कांग्रेस में जो है जाता है, और पाकिस्तानी US कांग्रेस में जाएगा तो वो हमारा मुकदमा सही लड़ेगा। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपने गेस्ट से मिलवाते हैं आपको और बात करेंगे कि पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात, पाकिस्तानी अमेरिकन USA में किस किस्म के बिज़नेस करते हैं और वो मुत्तहिद हैं नहीं हैं, ये सारी बातें हम अमेरिकन पाकिस्तानी से करेंगे ब्रेक के बाद। वॉशिंगटन नाइट शो विद आसिम सिद्दीकी।